Hello, my dear students. Myself, Professor Rohit Patil from Prime Shiksha, and I'm going to teach you mathematics. So, guys, today's our topic is determinant. Yes, guys, the same topic we already learned in standard 10th. उसी को हम लोग standard 11th में अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो 10th और 11th की determinant में basic difference क्या है? तो 10th की determinant आपकी order 2 की determinant थी और 11 की डिटरमिनेंट आपकी ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 फॉर क्लास 11. तो आइए जानते हैं कि डिटरमिनेंट में बेसिकली करना क्या होता है. इट्स एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. तो डिटरमिनेंट है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करेंगे और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करेंगे, और फिर इस अरेंजमेंट को एनक्लोज करेंगे दो सेगमेंट के बीच में. तो अगर गाइस मुझे डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 बनाना है तो मुझे नौ एलिमेंट्स को 3 हॉरिजॉन्टल रोज और 3 वर्टिकल कॉलम में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा और उसको दो लाइन सेगमेंट में एनक्लोज करना पड़ेगा, एंड दैट बिकम्स माय डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. सो सी द डेफिनेशन ऑन द बोर्ड. An arrangement of 9 elements into 3 rows, that is R1, R2 and R3. 3 columns, vertically check karo, C1, C2, C3. Ye arrangement aapko kya deta hai? Determinant of order 3 deta hai. Okay, so I hope aapko ye definition samajh mein aa gayi ki agar aapko order 3 ki determinant banani hai, to aapko 9 elements ko arrange karna hai into 3 horizontal rows or 3 vertical columns. ओके, सो आई होप आपको ये ऑर्डर 3 वाली कॉन्सेप्ट, अरेंजमेंट वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे बनता है. आइए जानते आगे कि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है. सो नोट नंबर 1, डिटरमिनेंट हमेशा आप स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे, मतलब जितने आपके पास रोज है उतने ही आपके पास कॉलम होने चाहिए. तो डिटरमिनेंट ऑर्डर 2x2 बन सकता है, या फिर डिटरमिनेंट ऑर्डर 3x3 बन सकता है. कभी भी डिटरमिनेंट स्क्वायर के अलावा और कोई फॉर्म में नहीं होता. सो डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्म गाइस. सेकंड पॉइंट, अगर डिटरमिनेंट को मैं एक्सपांड करूंगा, मैथमेटिकली उसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा, तो इट विल ऑलवेज गिव्स यू अ फिक्स्ड वैल्यू, अ फिक्स्ड नंबर. तो जब भी आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट का एक्सपांशन करोगे, तो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी. थर्ड पॉइंट, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो आपका डिटरमिनेंट का है उसको डिनोट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे उसको, तो इसको डिनोट करेंगे बाय ए आई जे. तो गाइस ये आई का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ रो, कि वो एलिमेंट कौन से रो से लिया हुआ है, उसकी रैंक क्या है. ओके, एंड जे जो होता है वो बताता है रैंक ऑफ कॉलम, तो कौन सी कॉलम से वो एलिमेंट आया है. तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एलिमेंट को डिनोट करो यहां पर. फॉर एग्जाम्पल आपने एफ को डिनोट किया, तो व्हाट इज दिस एलिमेंट डिनोटेड इन द डिटरमिनेंट एज. सो एफ मतलब आप चेक करो, रो 2 में आ रहा है और कॉलम 3 में आ रहा है. तो ये जो एफ वाली एलिमेंट है इसको आप ए, ये रो 2 में आ रहा है करके 2 एंड कॉलम 3 में आ रहा है करके 3, यू विल डिनोट दिस एफ एलिमेंट एज A23. सो आई होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द एक्सपेंशन एंड हाउ टू डू दैट एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑर्डर 3.